तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के बारे में, इवन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके थे, राइट। और आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनके रेशियो के बारे में, जो आइंस्टीन कोफिशिएंट और उसके रेशियो में जो रिलेशन है वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आज मैं इसमें जो भी लिखा है उसको अच्छे से एक बार पढ़ के और आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको समझिएगा, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये डायग्राम, इवन मैं लास्ट टाइम को भी रिप्रेजेंट किया था ये टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, मैं इन ब्रीफ बता दूं कि हम लोग तीन तरह के ट्रांजिशन पढ़े थे, तीन तरह के इवन इसमें फिनोमेना पड़े थे कि कोई भी अगर सब्सटेंस पे कोई लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो उसमें तीन तरह के फिनोमेना हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब करके लाइट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और उसके बाद कुछ उसका लाइफ टाइम होता है जिसको हम लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकुलर एटम इन एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। उस पार्टिकुलर लाइफ टाइम के बाद वो एटम डी एक्साइट हो जाता है। डी एक्साइट दो तरीके से होता है, एक स्पॉन्टेनियसली हो सकता है मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप, और एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन या स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। तो उसको हमें स्टिमुलेट करने के लिए एक्सटर्नल फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। ये तीन तरह के ट्रांजिशन को डिस्कस करेंगे, राइट। सो व्हेन एन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट जंप्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ इट्स ओन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी by emitting the radiation, the process is known as spontaneous emission of radiation or spontaneous transition. देखिए यहाँ पर जो ये सारा कुछ लिखा है ना, ये बहुत ही यहाँ पर फील करने की बातें हैं, ऑब्जर्व करने की बातें हैं, माइक्रोस्कोपिक चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कि मैंने कहा कि किसी भी नॉर्मल स्टेट में किसी भी सब्सटेंस में जो एटॉमिक सिस्टम्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट्स में होते हैं। ये दो स्टेट्स मैंने सॉलिड के इनसाइड में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, एक एम स्टेट है और दूसरा एन स्टेट है। तो एम की एनर्जी है वो ई एम है और जो एन की एनर्जी है वो ई एन है। तो मैंने कहा कि एट नॉर्मल कंडीशन एटम आर एग्जिस्ट इन द ग्राउंड स्टेट, इसको मैंने ग्राउंड स्टेट कह दिया और इसको मैंने एक्साइटेड स्टेट कह दिया, राइट। तो जब इस पे कोई फोटोन इंसिडेंट होगा ग्राउंड स्टेट पे, तो यहाँ पर जो एटम्स थे ग्राउंड स्टेट में इस एनर्जी को, इस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये फिर एक्साइट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ एटम विद रेडिएशन। मतलब रेडिएशन के इंसिडेंट से एटम क्या एक्साइट हुआ या डी एक्साइट हुआ, क्या हुआ, है ना। तो जो हमारा सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस कॉन्सेप्ट। तो एटम जब यहाँ से एक्साइट होकर के एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पर कितने टाइम पे स्टे करेगा, यहाँ पर ये 10^-8 सेकेंड तक ये यहाँ पर स्टे कर सकता है एक्साइटेड स्टेट में। En इज द एक्साइटेड स्टेट, n इज द एक्साइटेड स्टेट, राइट। ये इन द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो आफ्टर 10^-8 सेकेंड द एटम दैट इज प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट दैट कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट एंड दैट विल इमिट रेडिएशन। इन दैट केस रेडिएशन इमिट करेगा यानी फोटोन इमिट करेगा यानी लाइट इमिट करेगा, जितना भी उसकी इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो वही कहा जा रहा है कि व्हेन एटम, ये एटम इन द, व्हेन एन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट जंप्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, इसमें दोनों चीज समझना है। पहले मैंने इसमें बता दिया इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, जब ये किसी नॉर्मल स्टेट में ग्राउंड स्टेट में जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो उस एनर्जी को वो जो सब्सटेंस होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, एकदम से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेट हमें ये एटम, राइट। तो ये एटम यहाँ चला गया और यहाँ से 10^-8 सेकेंड के बाद वापस जंप बैक हो गया। तो यहाँ पर एक चीज और लिखा है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी बाय इमिटिंग रेडिएशन। यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल को आने के लिए कोई भी हमने एक्सटर्नल फोटॉन्स, एक्सटर्नल रेडिएशन कोई प्रोवाइड नहीं किए, ये ऑटोमेटिक 10^-8 सेकेंड के बाद पार्टिकल वो डी एक्साइट हो जाएगा,
डीप साइड होगा तो जितनी एनर्जी उसका डिफरेंस होगा दैट विल एमिटेड बाय रेडिएशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देन द प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ कि अपने आप यहाँ से स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिक यहाँ से रेडिएशन इमिट होगी। जब यहाँ से एटम ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांजिशन करेगा एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, तो उसमें रेडिएशन जो इमिट होगी, लाइट इमिट होगी, दैट इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, और उस ट्रांजिशन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, राइट। तो इसी को इक्विवेलेंट डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। An atom in the excited state EN remains in the state if transition are induced only by the application of external agency, right? Yeah. When an atom jumps from excited state to the lower state in a lower energy state by emitting radiation with the help of an external agency, the process is known as stimulated emission of radiation, right? वीडियो नाम करें आप लोग देखो बेटे, एस्टिमुलेटेड का क्या है कि जिस प्रोसेस में हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी, अगर एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि यहाँ पर अगर एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है और ग्राउंड स्टेट में उसको लाना है, अगर मैंने इसमें एक्सटर्नल फोटोन इसको डी एक्साइट करने के लिए अगर एक्सटर्नल फोटोन इसमें इंसिडेंट कराया तब उसको हम कहेंगे कि वो एस्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, राइट। एस्टिमुलेटेड यहाँ पर और अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ये आप एस्टिमुलेटेड इमिशन लेजर वाले टॉपिक में मैं और फॉलो करूंगा, जिसमें हमने लास्ट टाइम को कहा था कि देयर इज अनदर स्टेट दैट इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट एंड दैट इज बिलो द एक्साइटेड स्टेट, इसको हम मेटास्टेबल स्टेट कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ से जो एक्साइटेड स्टेट है इसकी 10^-8 सेकेंड लाइफ टाइम है और इसका लाइफ टाइम है 10^-3 - 3 - 4 सेकेंड, राइट। तो एटम प्रेफर करता है कि यहाँ से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करता है। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब कि ये कह सकते हैं कि रेडिएशन लेस, यानी कि इसमें कोई रेडिएशन नहीं इमिट होता है, राइट। तो यहाँ पर वो एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन कर जाता है और यहाँ से इसको इसकी लाइफ टाइम ज्यादा है तो यहाँ से कोई भी जो पहले एटॉमिक सिस्टम आ गया वो स्पॉन्टेनियसली डीके हो जाएगा, ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल यहाँ से हम फोटोन इंसिडेंट कराए तो इस फोटोन से यहाँ पर जो एटॉमिक सिस्टम है वो इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करके फिर ये फोटॉन्स को यानी कि एटॉमिक सिस्टम को डीएक्साइड कर देगा, तो एक फोटोन इसके वजह से एक जो हमने इंसिडेंट कराया वो ये दो फोटोन इमिट हो गया, तो दो फोटोन के दो एटॉमिक सिस्टम को डीएक्साइड कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेट में क्या हो जाएंगे वो फोर हो जाएंगे, इसी तरह से वो फोर नेक्स्ट फोर एटॉमिक सिस्टम को डीएक्साइड कर सकते हैं, तो ऐसे ही वो मल्टीपल फॉर्म में हमें लास्ट में एक बंच ऑफ फोटॉन्स प्रोवाइड होता है दैट इज कॉल्ड लेजर, दैट इज कॉल्ड लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के द्वारा लाइट को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और भी डिटेल में हम फॉलो करेंगे लेजर वाले टॉपिक में जब लेजर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टारगेट है कि ये टॉपिक कंप्लीट करें कि आइंस्टीन कोफिशिएंट्स क्या है और उनके रिलेशंस क्या है, राइट। देखिए बट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एन एटम इन द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट ऑल्सो जंप्स टू द लोअर एनर्जी स्टेट थ्रू ए स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट एन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, देखिए एटम स्पॉन्टेनियसली भी डीके हो सकता है यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आ सकता है या फिर वो स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू भी आ सकता है, यानी कि दो वे है एक्साइटेड स्टेट से एटॉमिक सिस्टम को जंप करने के दो तरीके। तो वही कंक्लूजन लिखा है कि द एटम इन द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट कैन जंप टू द लोअर एनर्जी स्टेट बाई एमिटिंग रेडिएशन इन टू वेज, एक तो थ्रू स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन कर सकता है दो तरीके से, एक स्पॉन्टेनियसली डीके हो सकता है और एक स्टिमुलेटेड एमिशन हो सकता है, दोनों में ही फोटोन इमिट होंगे, राइट। तो द सेकेंड इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इन सारे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रपोज बाई आइंस्टीन एंड दैट
proposed a system of atoms and the radiation remains in thermal equilibrium. ये बात समझिए, इसको हमें इस कॉन्सेप्ट को इन बिटवीन डेरिवेशन में यूज करना है. एनिस्टन साहब ने कहा कि अ सिस्टम ऑफ एटम्स एंड द रेडिएशन, एटम्स एंड रेडिएशन रिमेन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी. कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होगा कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी एनर्जी वो emission of energy के equivalent होने चाहिए, right? That is the thermal equilibrium. Temperature यानी कि system का तभी equivalent रहेगा, equilibrium state में रहेगा system, जब ये condition यानी कि absorption of energy, energy जितनी absorb हुई उतनी energy emission of energy के equivalent होने चाहिए. तो अब हम लोग डेरिवेशन इसका स्टार्ट करते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, इनकी कोफिशिएंट्स एनिस्टन कोफिशिएंट्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, उनकी रेशियो क्या आ सकता है. एक मैथमेटिकल रिलेशन है, बहुत लंबी है थोड़ा बट ईजी है और तो इसको समझ सकते हैं अच्छे से. तो यहाँ पर हमने कहा कि लेट यू ओमेगा, ओमेगा इज ऑल्सो रिलेटेड frequency omega is equal to 2 pi mu, right? That is related with the angular frequency. Let u omega is the energy density of the radiation of frequency omega, right? ये ध्यान रखिएगा कि u omega is the energy density of radiation, energy density. When radiation of frequency omega is incident on the system, किसी system पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर इंसिडेंट हो रहा है, देन द एटम्स इन द स्टेट एन एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एंड गो टू द हायर स्टेट एन, राइट. ये बातें आपको समझ में आ रही होगी डायग्राम से कि कोई सिस्टम हमने एज्यूम किया, राइट, और इसी सिस्टम की बात कर लें, यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया गया स्पॉन्टेनियस और एस्टिमेट ट्रांजिशन को जो एक्सप्लेन हम लोग कर रहे थे, राइट. यहाँ पर देखिए कि एक एम स्टेट है, एक एन स्टेट. इस सिस्टम में एटॉमिक सिस्टम है, नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक सिस्टम है, राइट. तो जब कोई इस पे ओमेगा फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो उस में जो एटम्स है, स्टेट एम में जो एटम्स है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और एब्जॉर्ब करके एंड गो टू द हायर एनर्जी स्टेट, क्योंकि इस एटॉमिक सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो अब इसी स्टेट में नहीं रहेगा, राइट. ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर जाना है, राइट. ये आप कोरिलेट कर सकते हैं, अगर आपने प्लस टू में हाइड्रोजन एटम का जो ट्रांजिशन पढ़ रखे हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम पर रखे हैं कि के से एल में, एल से जो ट्रांजिशन होते हैं उसको आप यहाँ पर उस तरह का इमेजिनेशन कर सकते हैं. किसी एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से किसी शेल में, सब सेल में ट्रांजिशन करता है, राइट. तो उसी को हम कह सकते हैं कि एटम इन एक्साइटेड स्टेट. सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर ये जो टर्म आ रहे हैं थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो इसको आप ध्यान से समझेंगे कि द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी आर एम एन, देखिएगा आर एम एन, क्योंकि एम से जा रहा पार्टिकल एम से, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी आर एम एन डिपेंड्स अपॉन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. रेट का मतलब कि पार्टिकुलर टाइम, टाइम के साथ जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है एम से एन तक वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा. देखिए फर्स्ट पॉइंट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन यू ओमेगा एंड द सेकेंड द नंबर ऑफ एटम्स दैट इज पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन द स्टेट एम दैट इज एन एन. इसको समझ लीजिए, ये मैं बार बार इसलिए बॉदर कर रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट जो पेपर है आपका ना, सेकेंड पेपर जो हमें पढ़ना है ऑप्टिक्स एंड लेजर, उसमें ये काम आने हैं बहुत डिटेल में. जैसे कि यहाँ पर लिख दिया ना कि पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, वहाँ पर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझने के लिए यही सब टर्म यूज करना है, राइट. क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट. तो हमने कहा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है
दैट इज आर एन एन दैट इज डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पर उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है यू ओमेगा राइट, जो उस पर इंसिडेंट हो रही है ग्राउंड स्टेट में, और नंबर ऑफ एटम्स पे, नंबर ऑफ एटम्स इसमें ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, पॉपुलेशन ऑफ एटम्स को अपने एम स्टेट में एन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर एम एन, आर एम एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एम, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, एंड वी कैन से द नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हैं एम स्टेट में, और एनर्जी डेंसिटी हो गया क्यू ओमेगा राइट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिए तो हमारे पास आ गया आर एम एन इज इक्वल टू पी एम एन एन एम इंटू ई ओमेगा। अब देखिए इसको यहाँ पर हमने लिख रखा है एम एन डी लिखा है और सबस्क्रिप्ट में एम एन लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा राइट। बी एम एन, एम से एन में एटोमिक सिस्टम ट्रांजिशन करेगा राइट। दैट कांस्टेंट, दैट दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज आइंस्टीन कोएफिशिएंट, और यहां से स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन का आप कह सकते हैं एम एन। इवन हम एम से एन में जा रहा है और एन से एन में भी बात करेंगे, क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है, इसके बारे में भी बॉर्डर करेंगे डेरिवेशन में। तो याद रखिएगा कि बी एम एन इज द ट्रांजिशन कोफिशिएंट, यू कैन से ट्रांजिशन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, और यू कैन से आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस सॉरी एब्जॉर्प्शन के लिए आप कह सकते हैं राइट। नेक्स्ट थिंग इज, अब पार्टिकल तो ट्रांजिशन कर चुका है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो वही चीज जो हम लोग शुरू में जो डिस्कस किए थे वही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ये चीज होगा मैथमेटिकल डायरेक्शन में। स्पॉन्टेनियस एमिशन डज नॉट नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी और रेडिएशन टू अकर, ये हमने बात कर ली है। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग ही हुआ कि ऑटोमेटिक उस पार्टिकुलर टाइम के बाद वो डीके होगा, पार्टिकुलर एटम ग्राउंड स्टेट में आना ही आना है, वो एनर्जी इमिट करेगा राइट। दैट डज नॉट नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी और रेडिएशन टू अकर, स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए कोई रेडिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड द एटम दैट इज प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट दैट विल कम बैक टू द और जंप बैक टू द ग्राउंड स्टेट एंड दैट विल एमिट द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। Therefore, the rate of emission of energy through a spontaneous emission RNM, देखिए RNM, N से M में आ रहा है, depends only on the number of atoms, that is NN. N capital है, that is number of atoms, और subscript में यहाँ पर small n लिखा है, that represent the state, that is the in the higher state N. तो excited state में energy की requirement नहीं हुई, उसको वहां से डीएक्साइड करने के लिए, इसलिए केवल नंबर ऑफ एटम्स पे ही ये डिपेंड किया। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है, इमिशन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस इमिशन, वो था रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी राइट, और ये है रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस इमिशन राइट। दैट इज आर एन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिए तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज नोन एज आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट दैट इज रिलेटेड विद पार्टिकुलर ट्रांजिशन, इसको लास्ट में हम इसके बोर्ड फॉलो करेंगे कि ये कौन से ट्रांजिशन के लिए कोएफिशिएंट है राइट। अब लेकिन हमने कहा कि ट्रांजिशन जो एक्साइटेड स्टेट से हो रही है वो दो तरीके से हो सकता है, शुरू में ही हमने यहाँ पर बॉडर किए थे कि ट्रांजिशन दो तरीके से, एक्साइटेड स्टेट में अगर एटम चला गया तो उसको रीएक्साइट होने के दो तरीके, या इधर वो स्पॉन्टेनियसली इमिट हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशन कर सकता है, या फिर वो स्टिमुलेट हो सकता है, स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू वो ट्रांजिशन कर सकता है राइट। तो हमने स्पॉन्टेनियस की तो बात कर ली राइट, अब दूसरे के लिए हम कहेंगे कि वो एस्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होगा, एस्टिमुलेटेड इमिशन होगा। सो ऑन द अदर हैंड एस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन इंटरैक्टिंग विद द सिस्टम, एस्टिमुलेटेड इमिशन कब होता है, जब हम उसमें एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि एक्सटर्नल फोटोन उस पर इंसिडेंट कराएंगे सिस्टम में, तो जो पार्टिकल है जो एटॉमिक सिस्टम है वो जो एक्साइटेड स्टेट में है, वो मेटास्टेबल स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो जो ट्रांजिशन होगा दैट इज एस्टिमुलेटेड इमिशन राइट।
स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन। यहाँ पर देखिए सबस्क्रिप्ट तो सेम है RNM, बट वहां पर R डैश कर दिए क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टिमुलेटेड के लिए, राइट। दैट इज R डैश NM डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स और द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट। तो बात सही है कि हमने NM पे तो डिपेंड करेगा ही कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, पॉपुलेशन ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में, आइदर एक्साइटेड या फिर मेटास्टेबल स्टेट, राइट। और दूसरा एनर्जी डेंसिटी यू ओमेगा ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, दूसरा एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। एनर्जी डेंसिटी पे क्यों डिपेंड किया, क्योंकि हमने उसमें एक्सटर्नल एजेंसी यूज की है। यहाँ पर हमने स्पॉन्टेनियस में एक्सटर्नल एजेंसी यूज नहीं की, इसलिए केवल हम पार्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करा है, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। यानी कि जिस तरह से एब्जॉर्प्शन की बात की है उसी तरह से यहाँ पर एस्टिमुलेटेड एमिशन में बात करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन ऑफ एटम और एनर्जी डेंसिटी पे। बट यहाँ पर जो नोटेशन है दैट इज फॉर एस्टिमुलेटेड एमिशन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू एस्टिमुलेटेड एमिशन, राइट। तो R डैश एन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एन यू ओमेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाती है, राइट। दैट इज इक्विवेलेंट टू बी एन एम, देखिए पहले वाला में था बी एम एम, एम से एन तक ट्रांजिशन हुआ था एब्जॉर्प्शन वाले में, ट्रांजिशन में, राइट। और यहाँ पर आ गया ये बी एन एम, यानी कि एस्टिमुलेटेड एन से एम में ट्रांजिशन कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर एस्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये ध्यान रखेंगे कि स्पॉन्टेनियस ए एन एम दैट इज एनएम किसके लिए है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के लिए, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए आइंस्टीन कोएफिशिएंट है, एंड दैट इज तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए आइंस्टीन कोएफिशिएंट हो गया एनएम, और जो यहां पर मैंने बात किया यहां पर ई एन एम, that is the Einstein coefficient for stimulated emission. ये कभी कभी पूछा जाता है, even मेरे को last year जरूर मैं पूछा गया था, इसके ratio का formulation पूछा गया था, और ये क्या क्या होते हैं इससे related, बहुत important मतलब हम लोग topic discuss कर रहे हैं, तो कभी भी आपके real life में ये पूछा जा सकता है, कैसे क्या है examination दिए तो आप पढ़ जाएं, interview point से भी बहुत important से ये topics, right। तो अब देखिए अब हम लोग यहाँ तक आ गए, अब आइंस्टीन की जो बात थी जो कॉन्सेप्ट था जो बताया कि थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए सिस्टम में, उस चीज को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं। प्रीवियस यहाँ पर हमने बोले थे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी एनर्जी वो इमिशन होना चाहिए, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट, तभी सिस्टम क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। तो विद इन 10 मिनट्स मैं आपको कंप्लीट करूंगा डेरिवेशन, बहुत ही फास्ट, क्योंकि बाकी चीजें तो मैंने इसमें समझा दिया, अब मैथमेटिक्स है। और देखिए सिंस द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज एम टू एन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या था एम से एन तक, राइट, एंड दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी दैट इज आर एन एम, एंड दैट इज इक्विवेलेंट प्लस आर डैश एन, यानी कि स्पॉन्टेनियस के लिए एमिशन एनर्जी, रेट ऑफ एमिशन एनर्जी और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, राइट, दोनों का सम इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितनी एनर्जी उसमें इंसिडेंट हुई है एंड एब्जॉर्ब हुई, दैट शुड बी इक्विवेलेंट, तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। जस्ट इसकी अब वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ये रेशियो जो मैंने एएनएम और बीएनएम की बात की थी ये कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर आरएनएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसी तरह से RMN की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पर RNM की वैल्यू रख दिया, R डैश NM की वैल्यू रख दी है, राइट। अब देखिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यू ओमेगा है, तो उसको हम ट्रांसपोज कर लिए, यानी कि इसको इधर ट्रांसपोज करके यू ओमेगा कॉमन कर लिए, तो इसमें से ये ब्रैकेट में कॉमन आ गया और ये NN ये ऊपर रह गया, राइट। तो ये एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख दिया गया है, तो ये आप बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया,
जो एन ए था, एनएन था, एनएन, तो एनएन से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ ऊपर वाला कुछ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BMN और NM अपॉन NM, और NM से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस BMN रह जाएगा, राइट। तो अब हम लोग स्टैटिक्स का भी हेल्प लेंगे, तो इस तरह से पार्टिकुलर सिस्टम में एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पर बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स हम यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट एंड टू द लोअर एनर्जी स्टेट एम ऑफ अ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूलेशन। आपने पढ़ रखे होंगे, दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस वन इज एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों का रेशियो यहाँ पर लिखा है, ये e रेज़ टू पावर माइनस ई एन माइनस ई एन अपॉन के टी, e रेज़ टू पावर माइनस एच नी अपॉन के टी, आपने फॉर्मुलेशन पढ़ रखा है, उसी से ये ड्राइव हुआ है। तो यहाँ पर ई एन माइनस ई एन दैट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज एच न्यू, जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू एच न्यू, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एन एन अपॉन एन एन इज इक्वल टू माइनस एच न्यू अपॉन ए के टी हो जाएगा। इसको जस्ट इन्वर्स कर दीजिए, इवन हम एच न्यू की जगह क्या कर सकते हैं, ओमेगा के टर्म में एच कट ओमेगा लिख सकते हैं, एच कट ओमेगा, यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, इसको एच कट ओमेगा के टर्म में हम लिख सकते हैं, तो ई रेज टू पावर माइनस एच कट ओमेगा अपॉन के टी हो जाएगा, राइट। तो इसको जस्ट रिवर्स कर लिए, तो ये हो जाएगा एच कट ओमेगा, यहाँ पर आना चाहिए एच कट ओमेगा अपॉन के टी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दैट ई ओमेगा इज इक्वल टू एन एम, ये एन एम आ गया, अपॉन BMN, और इसकी वैल्यू हमने रख दिया रेशियो की वैल्यू, एन एम अपॉन एन एम की वैल्यू ये कैलकुलेट किए थे, एच कट ओमेगा अपॉन के टी और माइनस BMN, यहाँ तक आई होप क्लियर है। और उसके बाद फिर हमने इसमें से BMN कॉमन ले लिए, राइट, तो BMN कॉमन लिए, तो ये हमारे पास आ गया, राइट। ये कह सकते हैं कि हमने BMN से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में की बात है, या कॉमन ले लिए तो भी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। तो BMN से डिवाइड कर लो या फिर उसमें से कॉमन ले लो, राइट, ऊपर लिख सकते हो उसको इस तरह से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, राइट। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, देखिए ये भी मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था, इस टॉपिक को कितना मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ, इवन ये भी कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूलेशन क्या है आइंस्टीन के टर्म में, जिसको हम प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला कहते हैं, राइट। तो दैट इज द एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला इन न्यू, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एट टेंपरेचर टी दैट इज गिवन बाय ई न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इनटू 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, राइट। तो इसको एच न्यू को यहां पर हम ओमेगा के टर्म में चेंज कर लेंगे, राइट, एच न्यू क्यूब है तो इसको ओमेगा के टर्म में चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, इसको आप कर सकते हैं, राइट। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1.26 एंड 1.27 जो हमने अभी ड्राइव कर रखे हैं, इसमें ये फॉर्मूला, राइट, 26 एंड 27, इस फॉर्मूलेशन को अगर कंपेयर करें तो उसमें हमें मिलेगा कि BNN अपॉन BMN इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट BNN इज इक्वल टू BMN, यानी कि ये जो रेशियो है, ये जो दोनों रेशियो है दैट इज यूनिटी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग्स, वी शो दैट द एक्सटर्नल फील्ड स्टिमुलेट्स ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट एम टू स्टेट एन एंड ट्रांजिशंस फ्रॉम स्टेट एन टू स्टेट एम विद सेम प्रोबेबिलिटी। अभी यहाँ पर देखो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के टर्म हम डिफाइन करेंगे, तो इसका मीनिंग हुआ कि जो दोनों का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, आइदर वो स्पॉन्टेनियसली है या फिर यहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, दोनों की जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्विवेलेंट, राइट। हाँ जी, तो
ये हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात की है, तो ये इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 2H एच कट ओमेगा की अपॉन 5CQ, ये वैल्यू हमारे पास इनकी रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज द रेशियो ऑफ ANM टू द BNM, BMN इवन BNM भी कह सकते हैं और BMN भी कह सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट ANM ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। देखो यहां पर N से M स्पॉन्टेनियस एमिशन कह दिया गया एंड आइंस्टीन कोफिशिएंट एंड दैट इज BMN और दैट इज इक्विवेलेंट, क्योंकि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इक्वल है दोनों केसेस में, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू BNM, NM से कर रहे हैं तो स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, राइट। तो दैट इज द आइंस्टीन रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2H कट ओमेगा की अपॉन 5, यहाँ पर एच कट की वैल्यू चेंज करके भी एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो भी यूज होता है, राइट। तो इसको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसी से हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इवन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो यहाँ पर BMN कहा जा रहा है उसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर में टाइम पर एटम और फ्रॉम M टू S स्टेट N स्टेट, एंड दैट इज गिवन बाय ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है WMN और एनर्जी डेंसिटी से उसको हम एटॉमिक सिस्टम के लिए डिवाइड करते हैं, राइट। एंड दैट इज गिवन बाय, इसमें कई सारे टर्म आपको अभी नहीं पता लगने हैं बिकॉज इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स यूज किया गया है और इंफॉर्मेशन ड्राइव किया है, जस्ट एडिटिव इसको अभी नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं कॉल करूंगा एक्साइटेशन ऑफ एटम विद रेडिएशन, उसमें ये टॉपिक वहां पर आपको ये डेरिवेशन मिल जाना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एंड induced absorption and transition, emission and Einstein coefficient relation. इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, राइट।